अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा दोस्तों फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर साथियों आ रही है वो कतर रेड क्रेसेंट सोसाइटी, जिसे QRCS भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कतर रेड क्रेसेंट सोसाइटी की तरफ से गाजा में लगभग वहाँ पे 43 सर्जरी को सक्सेसफुल वहाँ पे किया गया। बताना चाहूँगा साथियों, गाज़ा में बहुत सारे ऐसे मौजूद वहाँ पे मरीज़ थे जिनको वहाँ पे सर्जरी वगैरह की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके वजह से कतर रेड क्रेसेंट सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन चलाई गई थी वहाँ पे, जिनमें से वहाँ पे कतर के बहुत सारे नामी गिरामी डॉक्टर और अलग अलग देश दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे थे। और पूरा खर्च जो है वो रेड क्रेसेंट सोसाइटी उठाई। लगभग 43 लोगों को वहाँ पे सर्जरी वगैरह की गई और किसी से एक रुपये भी पैसे नहीं लिए गए। अगली अपडेट के साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है, कतर पार्टिसिपेट इन अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर। तो साथियों आपको बता दूं, नहीं पता है तो आपको, UAE के अबू धाबी शहर में वहाँ पे इंटरनेशनल बुक फेयर का आयोजन किया जाता है, जो कि लगभग 23 मई से लेकर 29 मई तक यहाँ पे बुकों का वहाँ पे एक तरह का मेला लगता है। तो दोस्तों, इस बार जो है वो कतर भी इस बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, लगभग वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा एग्जीबिटर वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने किताबों को वहाँ पे एग्जीबिशन में लगाते हैं, जिनमें से लगभग वहाँ पे 80 कंट्री के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार साथियों वहाँ पे हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के लोग, वहाँ पे कॉलेज के बच्चे लोग और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कतर के कॉलेज के बच्चे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं और वहाँ पे वो पहुँचे हैं। अगली खबर की साथियों चलते हैं, जो कि आ रही है अल रुएस फिश मार्केट को लेकर। तो साथियों, कतर में यदि आप रहते होगे तो वीडियो के स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हो, ये अल रुएस फिश मार्केट का है। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, यानी बहुत सारी चीज़ें टूट गई थी, बहुत सी चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्शन किया जाना था। तो पब्लिक अथॉरिटी अस्काल की तरफ से दोस्तों ये प्रोजेक्ट का काम मिला था, जिसके लिए फाइनली दोस्तों इस बार जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जो भी काम बचा हुआ है बहुत ही जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये अल रुएस फिश मार्केट की ये दोस्तों बिल्डिंग होगी, जहाँ पर लोग फिश मार्केट वगैरह जो है वहाँ पर पूरी तरह से लगाई जाएंगी। दोस्तों, एक बार तो आप बात को बात बताना चाहता हूँ, यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो फ्लाइट के बारे में, वीज़ा के बारे में, टिकट क्वारंटीन के बारे में, कोई भी तरह की जानकारी मुझसे आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो के माध्यम के थ्रू से। अगली खबर की साथियों चलते हैं, जो कि मौसम विभाग से आ रही, यानी कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। तो कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों यहाँ पे कल के दिन बहुत ही बड़ी वार्निंग दी गई है। बताइए, कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि मौसम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ वहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। मौसम में काफ़ी बदलाव आएगा, तेज़ हवाएँ चलेगी और वह समुद्र किनारे लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज़ उठने वाली है, जिसको लेकर वहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से सभी को चेतावनी दी गई। अगली खबर की ओर साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है, कतर पोस्ट ऑनलाइन ऑक्शन फॉर फैंसी पोबॉक्स नंबर। तो दोस्तों, कतर में वहाँ पे पोस्ट ऑनलाइन ऑक्शन चल रहा है, आपको बता दूँ, जिसे कतर पोस्ट कहा जाता है। तो उनके तरफ से दोस्तों आयोजन किया गया था, जिनके ऑनर है एम आज़ाद, कतर वेबसाइट टू लॉन्च ऑनलाइन ऑक्शन सेल नंबर ऑफ फैंसी पोस्ट ऑफिस जो होता है उसकी नंबर दोस्तों वहाँ पर पोस्ट की जाती है। तो इसी को वहाँ पर ऑक्शन लगा हुआ है। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है वो कतर के अमीर की तरफ से आ रही है। कतर के अमीर की तरफ से दोस्तों दुख व्यक्त किया गया है किंग ऑफ जॉर्डन को। आपको बता दो साथियों, कतर के जो अमीर है आमिर समीम तमीम बिन अहमद अल थानी साहब के तरफ से शनिवार के दिन जो जॉर्डन के किंग है जॉर्डन के, उनके दोस्तों वहाँ पे दुख व्यक्त किया गया, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर फैसल सिद्दीकी ऑफ यासिन, फादर ऑफ हर मेजेस्टी क्वीन रानी अब्दुल्ला के वो वालिद साहब थे, जिनका इंतकाल हो चुका है। इसी की वजह से उनके तरफ से दुख को व्यक्त किया गया और उनको फ़ोन पे बातचीत की गई। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही।